हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिचर्ड प्रोफेसर की एकेडमी और मैं हूँ आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे MBBS इन अब्रॉड के बारे में। आपने हमारे पिछले कई वीडियोस देखे नेपाल के बारे में और भी कंट्री के बारे में। आज हम बात करते हैं अब्रॉड के बारे में, MBBS इन अब्रॉड। अब्रॉड में हम जो कंट्री लेके आए हैं, टॉप फाइव कंट्री में क्या कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर नेपाल के बारे में बात करेंगे, फिर बांग्लादेश, फिर आपका रसिया के बारे में, फिर कजाकिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान। ये टॉप फाइव कंट्री की बात करेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि कैसे आप चूज करेंगे 2024 में, जैसे कि आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप कॉलेज को चूज करेंगे। अगर आप नेपाल को चूज कर रहे हैं तो आपका जो बजट है, पहले नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल को अगर आप चूज करते हैं तो जो आपका बजट होना चाहिए 48 लाख से लेके 60 लाख तक का बजट होना चाहिए, जिसमें आपके फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग इंक्लूड आपके हैं। कुछ कॉलेज हैं जो आपके 70 लाख तक भी जाएंगे। तो ये अगर नेपाल चूज करें, नेपाल में क्या आपको अच्छा रहेगा कि इंडिया की तरह सेम आपको एटमॉस्फेयर है, सेम आपका सिलेबस है, प्लस आपका ना कोई वीज़ा है ना कोई टिकट है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, आप अपनी कार से जा सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा कि आप कहीं फॉरेन में पढ़ने आए हैं, आपको लगेगा कि अपनी कंट्री में ही है और सबसे नियरेस्ट लोकेशन है। नेपाल का बजट मैंने बताया आपको जो है 48 लाख से लेके आपको 60 लाख कुछ कॉलेज से ऊपर है। दूसरे नंबर पर आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो बजट है वो आपका नियर अबाउट आपका जो चल रहा है 32 लाख से लेके 40 लाख तक के बजट है। कुछ कॉलेज हैं कि 2-3 लाख और भी आगे हैं, ऊपर है, पर एक जो नॉर्मली बजट है 32 लाख से लेके जो है 40 लाख तक का बजट है। अब बांग्लादेश में क्या है, वहाँ भी आपकी जो एजुकेशन है सेम इंडिया का 90% सिलेबस मैच कर रहा है, 5+1 आपकी एजुकेशन है, प्लस इंडियन स्टूडेंट अभी जो कल लिस्ट आई है उसमें काफ़ी इंडियन स्टूडेंट नियर अबाउट आपके वहाँ पर स्टडी के लिए 2023 और 2024 में भी अप्लाई किया, अभी पढ़ने के लिए जाएंगे तो बांग्लादेश जा सकते हैं। बांग्लादेश में एक निगेटिव फैक्टर क्या है कि वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है। आपको जो है 10+2 जो होना चाहिए उसमें सिर्फ 1 ईयर का गैप एक्सेप्ट करता है बांग्लादेश। जैसे कि आप किसी और कंट्री जाते हैं अब्रॉड के लिए तो 4 साल 3 साल 2 साल कोई भी गैप हो उससे कोई मतलब नहीं होता, पर बांग्लादेश में क्या है 1 ईयर। जैसे आप 2024 और 2025 के लिए जाएंगे तो आपका जो 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट जो होना चाहिए वो 2023 में आप पास आउट हो या 2024 में पास आउट हो तभी आप बांग्लादेश में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। बांग्लादेश का जो एडमिशन का सेशन है वो जनवरी सेशन है, पर एडमिशन जो है अभी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो बांग्लादेश जा सकते हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जैसा कि आपका बांग्लादेश का भी बजट नहीं है, नेपाल का भी बजट नहीं है, बजट थोड़ा सा लो है 20 से 25 लाख देख रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपका आता है रसिया। रसिया में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से इंडियन स्टूडेंट जाते हैं नेपाल और बांग्लादेश में, सीटें भले थोड़ा सा कम हो, जैसे कि अगर नेपाल की बात करें टोटल नेपाल में आपके फॉरेन जो सीट है 530 सीट्स हैं, बांग्लादेश में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि बांग्लादेश में करीब 67 मेडिकल कॉलेज है जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जाके स्टडी कर सकते हैं। 33% का कोटा वहाँ पे भी, अगर 100 सीट है टोटल तो 33% आपके फॉरेन स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी अगर रशिया की बात करेंगे तो रशिया में नियर अबाउट 40-45 मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टूडेंट जाके स्टडी करते हैं, और उसमें से जो 20 से 25 यूनिवर्सिटी जिनका ज़्यादा नाम है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट कई सालों से जा रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं। अब रसिया में सीट की कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे एक एक कॉलेज में आपको 300 सीटें 500 सीटें ऐसी होती हैं। रसिया का जो बजट है वो आपको जो जाता है 18-19 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 30 लाख तक में आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। कुछ जैसे नामी यूनिवर्सिटी है, बस्कीर है, क्रीमिया है, उरल है, कजान है, ये आपके जो है 25 लाख तक में, कजान फेडरल, कजान स्टेट थोड़ा सा 30 लाख तक में आपको आ जाता है। बाकी की डिटेल्स के लिए नीचे नंबरों पर कॉल करिएगा, हमारे काउंसलर आपको डिटेल्स से बात करेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी पिछले 4-5 सालों से काफ़ी फेमस हुआ है। इंडियन स्टूडेंट जिनको रसिया नहीं जाना होता है वो कजाकिस्तान में भी एडमिशन लेते हैं। 4 से 5 टॉप के कॉलेज हैं जिनका बजट जो है 20 लाख से लेकर नियर अबाउट 30-32 लाख तक आपका बजट जाता है। कजाकिस्तान भी स्टूडेंट जा रहे हैं, एक कॉलेज में नॉर्मली 300 से 500 सीटें, कुछ कॉलेज उससे भी ऊपर की सीट्स होती हैं, तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं बजट आपका अगर अंडर 30 है तो। अब आते हैं 5th नंबर पे आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान भी 4-5 साल से काफ़ी प्रोसेस में है, जब से किर्गिस्तान में आपने सुना होगा पहले कई कॉलेज थे, फिर थोड़ा सा वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो हुआ तो लोग उज्बेकिस्तान की तरफ आ गए। उज्बेकिस्तान में इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं, खासकर राजस्थान के स्टूडेंट बहुत होते हैं, यूपी बिहार से होते हैं और भी स्टेट से होते हैं। तो उज्बेकिस्तान में क्या है, 4 से 5 वहाँ भी जो फेमस कॉलेज हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं, अभी तो थोड़ा सा एमसीआई ने छूट कर रखी है तो लोग और भी कॉलेज लेके आ रहे हैं, पर आप जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में 4 से 5 कॉलेज जो फेमस है उसी में जाएं। रसिया में आप भले 20 कॉलेज 25 कॉलेज कहीं भी चले जाएं, रसिया में उतना वो नहीं, पर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में ये बात ध्यान दें, तो उज्बेकिस्तान से जो 4 से 5 कॉलेज फेमस है उसी में जाएं और उनका भी बजट आपका 18 से 20 लाख के 25 लाख ऐसे आपका जाता है।
फूडिंग आपकी अगर उज्बेकिस्तान देखें $100 $120 पर मंथ है, रहने का आपको $400 से $500 $600 ऐसे हॉस्टल आपको मिल जाएंगे। फीस हो जाएगी आपकी $3,200 $3,500 से लेके $5,000 तक की फीस जाएगी। इसकी बाकी की डिटेल्स के लिए आप जो है कि कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं नेपाल रसिया उज्बेकिस्तान जहाँ पे, तो नीचे नंबरों पे कॉल करें। हमारा जो ऑफिस है नोएडा है प्लस आपका लखनऊ है। अगर नेपाली स्टूडेंट है तो काठमांडू ऑफिस भी विजिट कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा 2024 में नियर अबाउट 25 से 27 लाख स्टूडेंट जो है 5 मई को आपका एग्जाम देने वाले हैं। 10 से 12 लाख स्टूडेंट पास होंगे। इंडिया में जो सीट है वो 1.25 लाख के आसपास सीट है। बाकी जो है 2 से 3 लाख स्टूडेंट अगर बाहर जाना चाहते हैं तो कहीं भी कंट्री है, पर आप बजट के हिसाब से अपनी कंट्री चूज करें। फर्स्ट नंबर पे अगर आपका बजट है नेपाल करें, सेकंड में बांग्लादेश करें, उसके बाद बांग्लादेश अगर किसी कारण नहीं जा सकते फिर रसिया चूज करें, और फिर आपका उज्बेकिस्तान और ये आपका कजाकिस्तान, इस तरह चूज करें। बाकी किसी भी जानकारी के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए आप नीचे नंबरों पर कॉल करें। थैंक यू।